बात करते हैं सुकमा नक्सल प्रभावित क्षेत्र की। एक वक्त था जब नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों व जवानों का विरोध हुआ करता था, लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। उन इलाकों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण अब विरोध नहीं बल्कि जवानों व सड़क का स्वागत कर रहे हैं। ये सुकमा जिले का घोर नक्सल प्रभावित बंडा गांव है। यहाँ पहले आवागमन के लिए सिर्फ पगडंडी थी। नक्सल दहशत के कारण इन इलाकों में विकास कार्य तो दूर, बात मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लेकिन लगातार जिला व पुलिस प्रशासन के प्रयास से जिले के हालात बदल रहे हैं। अब सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। कोटा से सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ और बंडा तक सड़क निर्माण पहुंच गया है। जवानों की सुरक्षा में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। जब जवान गांव पहुंचे तो वहां गांव की महिलाएं व बच्चे एकत्रित हो गए थे। महिलाओं ने स्थानीय भाषा में स्वागत गीत गाकर नाच के माध्यम से खुशी का इजहार किया। जवानों ने भी महिलाओं का सम्मान किया और सुरक्षा का वादा भी दिया। सुकमा जिले के नक्सल इलाकों में जहाँ सालों से सिर्फ पगडंडी के माध्यम से ही लोग आना जाना करते थे, लेकिन अब उन इलाकों में सड़कों का निर्माण हो रहा है। खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। कई ऐसे गांव हैं जहां सड़कों का निर्माण हुआ है। आवागमन के साधन बढ़ गए हैं, लोगों का पैदल चलकर कम आना पड़ रहा है, हालात बदल रहे हैं। सुकमा के SP सुनील शर्मा ने बताया कि जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में कैंप स्थापित किए गए हैं और सड़कों को गांव तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है।